Hey YTBS की हलचल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, देश के सबसे खूबसूरत, खतरनाक और लंबे लेह दिल्ली रूट पर हिमाचल रोडवेज की बस में बैठ करके यदि आप 1026 किलोमीटर की यात्रा 32 घंटों में मेरी तरह पूरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। मैं सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ इस यात्रा से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, अगर आपने YT भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए ना रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, जाके क्लिक करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, उनको सेलेक्ट करें और सारे YT भारत के वीडियो जो 400 से ज्यादा इंडिया के सभी डेस्टिनेशन से जुड़े हुए आपके लिए मैं पहले से लेकर के आया हूं, जा करके देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए कुछ नहीं करना है, चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में और इस बहुत ही रोमांचक सफर की एक एक जानकारी आपको देना स्टार्ट कर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी को, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। आइए दोस्तों आ चुके हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन में और आपको वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंटरेस्टिंग लंबी यात्रा के बारे में आज संपूर्ण जानकारी देना स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक, एक एक जानकारी कलेक्ट करिए और मेरी तरह आप भी अपने सपने को जब भी दिल्ली ले दिल्ली की यह यात्रा रूट दोबारा से स्टार्ट होता है इसको जरूर पूरी करिएगा। आइए स्टार्ट कर देते हैं सफर को। इस सफर पर एक पल तो आपको लगेगा कि चमकती हुई धूप नजर आ रही है, दूसरे पल आपको दिखाई देने के बर्फ से ढके हुए पहाड़, समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई वाले इस रास्ते जैसा अनुभव विश्व में शायद ही कहीं पर आपको देखने को मिले। कहते हैं कई बार मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर हो जाता है और इसी बात को सही साबित करती है दिल्ली से लेह तक की सड़क यात्रा। 2008 में यह यात्रा प्रारंभ हुई थी और मई से लेकर के जून और सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में यह यात्रा चलाई जाती है। 5 बेहद ऊंचाई वाले दर्रों से पासिस से होते हुए लगभग अब इस साल 1026 किलोमीटर की दूरी 32 आवर्स 32 घंटों में तय करते हुए यह बस आपको दिल्ली से लेह पहुंचाएगी और वापस लेह से दिल्ली लेकर के जाएगी। किराया लगभग है इसका 1700 रुपए के आसपास, जो समय और साल के अनुसार बढ़ता भी रहता है। अब चलते हैं आगे, आपको बताते हैं अटल टनल रोहतांग बनने से BRO मतलब सीमा सड़क संगठन को बहुत बड़ी राहत मिली। टनल बनने से इस रूट की लंबाई 46 किलोमीटर कम हो गई है। अब यह बस 36 आवर्स की जगह 32 आवर्स ही लेती है। टनल बनने से 13,050 फीट ऊंचाई वाले रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने की समस्या भी अब खत्म हो गई है। गौरतलब है कि एशिया के सबसे ऊंचे गांव किब्बर और मनाली लेह रूट पर बारलाचला दर्रा, नक्की दर्रा, लाचुंग दर्रा, तंगलंग दर्रा से होते हुए सेवाएं देने के लिए 2017 में HRTC का केलांग डिपो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है। इन्हीं दर्रों से होते हुए आपको यह बस लेह तक पहुंचाती है। अब आगे बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई, इसकी सेवाओं से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। प्रति व्यक्ति किराया लगभग 1700 के आसपास जो बदलता रहता है, इसमें बदलाव संभव है जब आप बुक करेंगे। रूट के बारे में बता देता हूं, दिल्ली से चलेगी चंडीगढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलोंग, सरचू, पांग, गाटालूप, उपसी, लेह, ये आपका रूट होगा। अब ये 1026 किलोमीटर के आसपास है और बस आपको बताता हूं ऑर्डिनरी है, टाटा 2x3 की 47 सीटों वाली बस है, लेकिन इतनी मजबूत होती है, आप समझ सकते हैं ना इस रास्ते पर जो बस चलेगी वो कितनी मजबूत होनी भी चाहिए। बस का ठहराव केलोंग में होगा लगभग 15 घंटे 30 मिनट के लिए। समय सारणी दिल्ली से लेके मैं आपको बता देता हूं, जो मुझे पता है उसको बारे में आपको बता देता हूँ। दिल्ली से चलती है कश्मीरी गेट बस अड्डे से लगभग 3:45 पर, चंडीगढ़ पहुँचती है और उसके बाद चलती है रात को 9:30 पर। दूसरा दिन ये आपको पहुँचाएगी कुल्लू और कुल्लू से सुबह चल देगी आपको 6 बजे लेकर के, मनाली से आपको चल देगी लेकर के 7:30 और केलांग पहुँच करके दोपहर को 1:30 ये वहां पर पहुंच जाती है। और उसके बाद पहुंचने के बाद पूरी रात ये केलांग में रुकेगी और फिर अगली दिन आपको वहां से लेकर के चलेगी। केलांग के बारे में बताता हूं, जो रात को आपको रुकने के लिए वहां पे छोटे बड़े धर्मशाला, डॉर्मेट्री,
और इस तरह की सभी छोटे बड़े होटल मिल जाएंगे, आप आराम से वहां पे रुक सकते हैं, कम से कम दाम से लेकर के ज्यादा से ज्यादा दामों में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे दिन के बारे में। सुबह 5 बजे चलेगी बस और शाम को सपनों के शहर 7 बजे आपको ये लेह पहुंचा देगी। इस प्रकार 3 दिन में यह आपको दिल्ली से लेह पहुंचाएगी। एक बात और, सभी बड़े दर्रों पर यह बस 10 मिनट कम से कम रुकेगी। जाइए आराम से, इमेज खिंचवाइए, फोटो खिंचवाइए, वीडियो बनाइए, मेरी तरह पूरा एंजॉय करिए और बस में बैठ करके आगे का सफर वापस शुरू कर दीजिए। अब चलते हैं वापस लेह से दिल्ली। पहला दिन लेह सुबह 4 बजे चलेगी, शाम को 6 बजे तक केलांग पहुंचाना होता है इसे, रात्रि ठहराव केलांग में ही होगा। दूसरा दिन के बारे में बताते हैं आपको। केलांग से रवानगी सुबह 6:30 बजे, मनाली वापस पहुंच करके रवानगी होगी 1:25 पर। तीसरे दिन दिल्ली पहुंचेगी रात 3:30 बजे के आसपास। दिल्ली से लेह के सफर में भोजन के लिए ठहराव आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर रुकेगी। शाम की चाय करनाल में आपको मिलेगी, रात को रुकेगी भोजन के लिए रोपड़ में, फिर अगले दिन आपको नाश्ता मिलेगा पंडोह में, और उसके बाद दोपहर का भोजन कोकसर में, फिर नाश्ता आपका मिलेगा बरला चला के समीप भरतपुर में, दोपहर का भोजन पांग में, शाम की चाय उपसी में। और वापस लौटते समय भी बस टाइम बदल जाएगा लेकिन स्थान लगभग यही फिक्स रहते हैं। अब चलते हैं आगे, बुकिंग कैसे होगी तो वो भी आपको बता देते हैं। देखिए बुकिंग जो है वो उसका पूर्वानुमान लेह का सफ़र का लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो बस की सेवा है अभी ऑफलाइन रखी गई है। आपको क्या करना है, बस स्टार्ट होने के टाइम से 1 घंटा पहले महाराणा प्रताप अंतर्राज्य बस अड्डा कश्मीरी गेट पहुँच करके अपनी टिकट लेकर के बस में बैठ जाइए। फिर भी भविष्य में हो सकता है ऑनलाइन बस सेवा स्टार्ट हो जाए, तो नीचे मैंने URL आपको दे दिया है www.hrtchp.com/hrtc_info पर, इसे आप चेक कर सकते हैं जब कभी ये ऑनलाइन बस आएगी। तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली से लेह बस सेवा की, बात भी करते हैं साथ में ही। आप में से बहुत सारे यात्री ऐसे होंगे जो पहली बार जा रहे होंगे लेह, और मनाली की खूबसूरती देखने का मौका भी नहीं गंवाना चाहते हैं ना, साथ ही आरामदायक यात्रा भी करना चाहते हैं, तो आपके पास एक विकल्प और दे रहा हूं। लेकिन इस विकल्प को बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे दूसरे टेक चैनल टेक स्पेस ट्रॉक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया है टेक ट्रॉक का, जाइए, इतना इंफॉर्मेटिव है, एक एक वीडियो टेक ट्रॉक पे मैंने बना के डाला है, जिसको देखने के बाद आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, YT भारत को भी @truckTrock को भी जाकर के सब्सक्राइब करो। अब आगे चलते हैं, आपको इस खूबसूरत सफर के बारे में और जानकारी देना स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC ने मनाली से लेह के लिए डिलक्स बस सेवा भी शुरू कर दी है। आप चाहें तो दिल्ली से मनाली तक वॉल्वो से आ जाइए और मनाली में सैर करके आगे का सफर इस मनाली लेह डिलक्स बस द्वारा आप तय कर सकते हैं। इस बस का टिकट ऑनलाइन भी मिलता है, मनाली बस अड्डे से भी मिलता है। गत वर्ष रोहतांग दर्रे के रास्ते ले दिल्ली का किराया 1727 रुपये था, अब अटल टनल से होते हुए यात्रियों को प्रति सीट 1656 रुपये देने होंगे। HRCTC केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगलचंद मनेपा ने बताया है कि ले दिल्ली के बीच 15 अप्रैल से सेवा शुरू कर दी जा सकती है, लेकिन समस्या आ गई है, कोरोना फिर से थोड़ा सा रौद्र रूप ले चुका है तो बस सेवा में फिर से कन्फ्यूजन है। हो सकता है थोड़े टाइम बाद ये वापस फिर से स्टार्ट हो जाए, उसकी जानकारी मैं आपको अपने अलग एक वीडियो में फिर से दे दूंगा, अपडेट कर सकता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपको बताते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनमें से कुछ दर्रों के बारे में, कुछ पासेस के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं इस वीडियो में। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं 12 लाचाला पास। इस दर्रे पर पहुंच करके आपको एहसास होगा कि धरती बहुत पीछे छूट गई और आसमान बिल्कुल आपके ऊपर है। इसे गुजरते ही आप लाहौल घाटी पर पहुंच जाएंगे, मनाली तक किसी भी मौसम में आप इसे पहुंच सकते हैं, लेकिन बर्फ पड़ने के बाद इस जगह पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 16,020 फुट की ऊंचाई पर यह है 12 लाचाला पास। अब चलते हैं नेक्स्ट, लॉन्ग लाचाला 16,620 फिट 16,620 फिट पर, इस पर ट्रैकिंग करने के बारे में सोच करके ही सांस फूलने लग जाती है। पहाड़ की चोटी पर बस में गुजरते हुए आपको ऐसे हैरतअंगेज नज़ारे दिखेंगे जिसकी कल्पना शायद ही हो पाए।
इस रास्ते से ही लद्दाख का इलाका शुरू हो जाता है। इसे लाचुंग लुंग ला भी कहा जाता है और यहां से आगे का रास्ता बहुत ही दिलचस्प है। तंगलंग ला 17,480 फिट, इस पर पूरे रास्ते की सबसे ऊंची जगह है। यह दर्रा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा दर्रा यानी कि पास है, जहां गाड़ी तक आप पहुंच सकते हैं। इससे आगे उपसी में सिंधु नदी पार करनी होती है। यहां से पुराने समय में तिब्बत के लिए रास्ता जाता था, वह रास्ता अभी भी है और भारत तिब्बत सीमा पर चुमार तक यह रास्ता जाता है। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो उम्मीद करता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी हासिल करने के लिए आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और अगले किसी मुकाम के सफर पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए वाईटी भारत चैनल पर। नमस्कार। We'll be right back.